तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के मैच के बारे में जो हुआ आरसीबी वर्सेस एमआई, जिसमें मुंबई वालों ने आरसीबी वालों को इतना बेरहमी से हराया, शायद शर्म से चिल्लोवर पानी में डूब मरना चाहिए। एक होता है मैच हराना और एक होता है दर्दनाक हार देना। भाई इस मैच में वही हुआ, एमआई वालों ने और सूर्य भाऊ ने और ईशान किशन ने आरसीबी को और आरसीबी के फैंस को एक दर्दनाक हार का अनुभव दिया। आरसीबी फैंस दिल को टूटे हुए और चुपचाप पवेलियन से बाहर निकल लिए और क्या। तो फिर तो मैच हुआ स्टार्ट और आरसीबी बैटिंग शुरू की। 9 बॉल में विराट कोहली हुए आउट और चल पड़े पवेलियन। तो प्लेसिस ने मैच को संभालते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए 150 तक स्कोर लेके गए। फिर कार्तिक आया और अपने धुआंधार बैटिंग से टीम को संभाला और 196 पे 20 ओवर में बनाया आरसीबी ने। आरसीबी के स्कोर को देखकर और आरसीबी के फैंस का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था इस बार आरसीबी पक्का विन इस मैच को जीत लेगी। लेकिन फिर स्टार्ट हुआ एमआई का बैटिंग। भाई ईशान ने इतना पेला, फिर रोहित ने रेला, फिर आ गए अपने भाऊ सूर्या। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सूर्य आया और धुआंधार बैटिंग किए, 17 बॉल में मारा 50 और भाई उसके बाद उनकी पारी हुई समाप्त। ईशान किशन के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु वापस करेगी, तब तक आए सूर्य कुमार और भाई उन्होंने जो बैटिंग की उसे देखकर आरसीबी फैंस तो टूट ही गए पूरा एकदम। उसके बाद उन्होंने हार मान ही लिया और फिर लास्ट में वही हुआ जो होना चाहिए, आरसीबी वाले फिर से रोते हुए और बिलखते हुए चल पड़े। फिर वही हार का सामना करना पड़ा।